चौरंगी में बिलाल चौरंगी के करीब पुलिस और लुटेरे आमने सामने आ गए। फायरिंग के तबादले के बाद दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसील जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे मलिक जुनेद से। मलिक बताइएगा, पुलिस मुकाबले की मजीद क्या तफसीलात हैं? कोरंगी सनती एरिया पुलिस गश्त पर मामूर थी। दो डकैत कोरंगी बिलावल चौरंगी के करीब शहरी से लूटमार की वारदात कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो डकैत मुजरिमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने लगे। सनती एरिया पुलिस ने मुजरिमान का ताकुब किया। दो तरफा फायरिंग के तबादले के बाद एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुजरिमान की शनाख्त इरफान और दाऊद के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुजरिमान के कब्जे से असला, दो पिस्टल, बम एमिनेशन, चार छीने हुए मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। जबकि गिरफ्तार मुजरिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और जब्त की मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गिरफ्तार जख्मी डकैत मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल जबकि दूसरे मुलजिम को थाने में मुंतकिल किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया मलिक जुनैद अपडेट करने के लिए।